सो हेलो गाइस, कैसे हो? इस बिल लोग स्वागत है इस एक और वीडियो में। आज मैं आज के थर्ड इल में और इतनी ऊपर से क्यों जा रहे हैं आज, तो देखो उसके पीछे एक रीजन है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत बार कमेंट करने के लिए बोलता हूं, मतलब खुद से कुछ पूछता हूं और फिर तुम उसका एक तरह से आंसर करते हो। वो मैं इसलिए करता हूं जिससे कि थोड़े बहुत स्पैमर जो बढ़ रखे ना वो कति दिखे ही ना। तो मैंने सोचा कि इस चीज को वापस से दोहराया जाए, तो रेडी हो जाओ, कमेंट सेक्शन में जाओ, टाइप करने के रेडी हो जाओ। तो मैं आज देखो मेरे को बता रहा है कि जब फर्स्ट टाइम पबजी रिलीज हुआ था 2017 या फिर 18 में, तब तुम उसे किस नाम से बोला करते थे, किस नाम से मतलब जाना करते थे कि हाँ ये गेम का नाम है। मैं खुद को बता दो, देखो मैं तो पीयूबीजी और पबग बोलता था। क्या भाई, पीयूबीजी एक गेम है, पबग एक गेम है, ढंग से नहीं पता था, कुछ भी बोल देता था पबग या फिर पीयूबीजी। पबजी तो मेरे को शायद महीनों बाद पता चला था कि हाँ पबजी भी बोला जाता है इसको। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताना फर्स्ट टाइम तुम क्या बोलते। मुझे पता है बहुत तगड़ी तगड़े आंसर आने वाले हैं। मुझे पता है हर चीज देखो जो बोली जाती है वो लिखी नहीं जाती, जैसे कोई कुछ बोलता हो कोई कुछ बोलता है, हर चीज नहीं लिखी जाती, लेकिन फिर भी ट्राई करना, जैसे तैसे तुम्हें कर देना। फिलहाल सामने की तरफ देखो एक बंदा है जो कि टोम्बी से मेरे को डरा रहा था, और यहाँ से तो फाइट नहीं ले सकते क्योंकि वो बंदा देखो कतई भी अब शक्ल नहीं दिखाने वाला जितना मुझे लगता है। तो मैं घूम के इस पे रश करने जाता हूँ यहाँ से स्की करके, और आज मेरे माइक में भी हल्का सा ग्लिच है। मुझे कभी कभी लगता है भाई मैं कितनी परफेक्ट चीज़ ले, मतलब बिल्कुल टॉप क्लास है टॉप क्लास, फिर भी उसमें वो मेरे पास आ जाएगी ना तो उसमें खराबी पक्का हो जाएगी। क्या मतलब मेरे अंदर खराबी है? देखो ऊपर की तरफ एक बंदा है जो कि जिसके पास टॉम्बी है ना और उसके पास टीपीपी भी है, तो मैं सीधा उसके ऊपर नहीं जा सकता, खेल लो सर मार लो मेरे को, नहीं मैं यहाँ रुकता हूँ। भाई साहब नीचे आ चुके और बाहर की तरफ चला जाता, तो मेरे को कवर यहाँ पे लेना था और ये उछल रहा है। नहीं यार अपन टीम अप सपोर्ट नहीं करते, इसको ख़त्म होना पड़ेगा। बढ़िया भाई, इस बंदे को मैंने यहाँ पे मार दिया, वरना इसको 10 मिनट मिल जाते ना तो ये अपने जैसे 3-4 बना लेता पूरी टीम और सोलो में स्क्वाड बना देता। मुझे पता है ना भाई, मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है चीज़ें। देखो सामने से फुटस्टेप्स आ रहे थे उस वाले घर से, पर ये बोट है ना भाई ये रोक लेता मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं। मैं देखो इसी घर में आया रश करने और मैं ऊपर की तरफ जा रहा था और ये फटी बंदे की, आपको आया ना फुटस्टेप्स की आवाज की, एकदम से कोई बंदा कहीं पे गिरा, तो ये बंदा दूसरे वाले घर पे गिरा था एक तरह से, मतलब कूदा था। ये देखो ये रे भाई साहब, पता नहीं भाई ये क्यों इतना भागता है जबकि सोलो ही तो है, मतलब ऐसा थोड़ी कि पूरी स्क्वाड रश कर दिया। फिलहाल कोई बात नहीं, अब ये खत्म है। चलो ये बंदा यहाँ पे मारा जाता है, ज्यादा बंदे आए नहीं थे भाई थर्ड में, नहीं तो 2-3 और आ जाते तो शायद मेरे को 4 या 5 किल तो मिल जाते। और सोलो में देखो ना इतने किल्स हो नहीं पाते, मतलब सोलो में या तो ज्यादा 11-15 इतने तक ही रहते हैं, 20+ किल्स जाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बंदे इतने मर लेते हैं भाई, बाकी भी तो मारते हैं ना, और सोलो में थर्ड पार्टी भी इतनी तगड़ी वाली होती है, तुम भाग भाग के किल लेने का ट्राई करोगे ना तो क्या पता भाई कौन तुम्हारी टांग पीछे से खींच ले। फिलहाल मैं जा रहा था आगे गाड़ी लेने और मैंने ऐसे ही पीछे देख लिया थर्ड की तरफ, और वो देखो एक गाड़ी कूद रही है और मैं जा रहा था इस गाड़ी को मारने, मतलब इस बंदे को मारने, और उसको अभी तक नहीं पता कि मैं सामने हूँ। वाह, इसलिए ही कहते हैं भाई गाड़ी चलाते वक्त जितना हो सके सामने की तरफ देखिए। ये बंदा क्या सोच रहा होगा कि हाँ BGMI लाइट आएगा बीके नहीं, और इतने में मैंने इसको मार दिया। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ बॉट वगैरह मार दो और मैं देखो गाड़ी लेके अब निकल, तो पता किस तरफ थोड़ा फैक्ट्री वाले एरिया में जा रहा था क्योंकि वहाँ पे एक ड्रॉप आया था और सोलो में बंदे बहुत ड्रॉप लूटते हैं, तो इसलिए मैं यहीं पर आता हूँ। अब देखो ये मेरे को लग रहा था कि बॉट नहीं थे, कोई असली प्लेयर ही बॉट फायर दे रहा था। फिलहाल मेरा टारगेट था ड्रॉप, लेकिन मैंने ऊपर देखा एक गाड़ी है पहाड़ के टॉप पे, और देखो साइड के घरों में भी गाड़ी है, तो खतरे से खाली कुछ भी नहीं है। और मैं देखता हूँ इस घर में 2 बंदे हैं भाई साहब, टीम अप चल रहा है इनका बेटे। कितनी परवाह थी यार उस बंदे को कि कार आ गई भाग ले यहाँ से, लेकिन नहीं ये बंदा यहीं बैठा रहा। वैसे वो नेड़ आ गया बोलता तो शायद ये भाग भी देता यहाँ से। ये बंदे मुझे दिख गए भाई कि 2 हैं, सोचो अगर मुझे दिखते नहीं मैं सीधा घुस जाता कि एक बंदा ही होगा, क्योंकि सोलो खेल रहा हूँ ना एक ही बंदा समझूंगा और ये 2 निकलते, तो सोचो कितना बुरा लगता है यार मुझे, मजा आ गया इन चीटर्स को मार के यहाँ पे। फिलहाल मैं देखो गाड़ी पकड़ दो और मैं वापस से थोड़ा जोन की तरफ ही निकलता हूँ क्योंकि यहाँ किसी गोलियों की आवाज़ भी आ रही थी, तो मैं आया किसा क्या सीन चल रहा है, पर यहाँ तो मैदान खाली है बिल्कुल। और अब शुरू होती है बॉट फायरिंग। और मैं तो एक बंदा समझ के आया था भाई, 2 बंदे निकले, एक तो इस घर में और ये दूर से एक M4 चला रहा ना जिसने यहाँ पे बॉट का कत्ल कर दिया है। फिलहाल वो इससे फाइट ले रहा होगा लेकिन उसके बॉट हत्ते लग गया होगा, लेकिन कोई नहीं इन दोनों का पॉइंट मैं लेके जाऊंगा। मैंने एक नेट टॉस करा क्योंकि बंदा मेरे ठीक ऊपर था, सुनो खुद भी है ना मेरे दोस्त, ऊपर यहीं पर मैंने नेट फेंका, बूम नेट मेरा काम कर जाता है और फिर मुझे फुटस्टेप्स आता है, आते भी और नहीं भी आते, आते इसलिए क्योंकि मेरे को हल्का सा लगा कि हाँ कोई तो चल के आया, और नहीं आते इसलिए क्योंकि वो बंदा मेरे को दिख ही नहीं रहा और अब बिल्कुल ही फुटस्टेप्स नहीं आते, तो मैंने सोचा भाई कंफ्यूज नहीं होना, गाड़ी लेके सीधा उसी तरफ निकल देता ना, उसका इंतजार क्यों करना, मैं अपनी गाड़ी घुमाता हूँ। लेकिन मैंने पीछे देखा वो भी अपनी गाड़ी घुमा रहा है, व्हाट द हैक। और मैं बता रहा जहर थे कहर स्प्रे था ये, बस वो कुछ ही गोली का बच रहा था, और हमेशा मेरे साथ क्यों होता भाई, एक 2 गोली का बंदा बच के निकल जाता है। अब मुझे लगा ये दूर भाग गया होगा भाई इतने में, तो बट नहीं, बंदा कुछ कह रहा था ये रुक जाता, यही तो खास बात है इस बंदे के अंदर। अब मैं इस बार इसको पूरा फाइनल क्लियर मार के रहूंगा, पूरा फाइनल क्लियर।
क्या मजबूरी थी यार, जिस बंदे को ऐसे बैठना पड़ा भाई, टीपीपी ले लेता यार वहां पे, कैंपर ही बोल देता, चलो मैं कैंपर बोल देता, पर इतनी आसानी से मारने मजे नहीं आते। फिलहाल मेरे डबल डिजिट किल होने में कुछ ही किल बचे हैं, सिर्फ एक बचा है। मैं देखो गाड़ी लेके आता हूं, यहां पे ये वाला ड्रॉप लूटने हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बंदे सोलो में बहुत आते हैं ड्रॉप लूटने, हाँ लूटने नहीं आए लेकिन आसपास मिल जाएंगे तुम्हें। एक और K9 मारी उस बंदे ने, अब मेरा टाइम आ चुका था भाई। अपने पास भी है Kar98, पहले तो मैं ट्रिपल स्टोरी देखता था, यहीं कहीं से गोली की आवाज़ आई थी। ऊपर भी मैंने देखा क्योंकि कुछ बंदे भाई इन ट्रैक पे भी लेट रहते हैं, बट नहीं भाई बंदा कहाँ है, मुझे ट्रिपल स्टोरी की तरफ भी नहीं दिखा। तो मैं भाई फालतू वेट करूंगा नहीं, मैं गाड़ी लेके ट्रिपल स्टोरी की तरफ ही जा रहा था, बट वहां देखो एक बग्गी भी आ चुकी है, और वो देखो बंदा शक्ल भी दिखा देता ट्रिपल स्टोरी से। फिलहाल इस बग्गी वाले को भी देख रहा था क्योंकि भाई मैं एकदम से क्या थर्ड पार्टी हो सकता हूँ। और भाई कहीं कॉन्फिडेंस है, भागा भागा आ रहा बंदा, इसको ना तो ट्रिपल स्टोरी वाले का डर है और ना ही अपुन का। तो मैंने देखो कवर कुछ इस तरह से लिया कि मैं सिर्फ इस बंदे से लड़ सकूं, ट्रिपल स्टोरी वाला कुछ दखलअंदाजी ना कर सके। देख रहे हो दखलअंदाजी फिर भी बंदे ने करी है, नेड़ वगैरह फेंक के। फिलहाल इस बंदे की बारी, भाई कर ही लिया शायद इसने हील। ये हरे सूट वाला बंदा यहाँ पे मारा जाता है। फिलहाल देखो मेरे डबल डिजिट क्या बोला मैं, डबल डिजिट किल मेरे हो चुके हैं, और इस बंदे के पास M24 थी, और उस यार मैं क्या बोल रहा हूँ, उस M24 से मुझे पता किसको जवाब देना था, इस ट्रिपल स्टोरी वाले बंदे को। और मैं इसको ओपन करता हूँ कि भाई सब शक्ल दिखा दो, अपनी सुंदर शक्ल दिखाओ मुझे, लेकिन ये नहीं दिखाता क्योंकि जोन आ चुका था, शायद पीछे घूम के जोन की तरफ ही निकल चुका था, तो अपन क्यों देर लगाएंगे। मैं भी गाड़ी लेता हूँ और मैं इस छोटे से जोन में आ चुका था, और बंदे इतने बच रहे हैं कि मैं यहाँ पे उतर गया तो कहीं से भी पड़ सकती है, तो मैं बस घूम ही रहा था। तभी एक भाई साहब हेलो करते हैं, तो मैं भागा भागा चला आया भाई। इस तरफ से गन शॉट की आवाज़ आई थी कि कौन था भाई, किसने बुलाया था मेरे गोली चला के, लेकिन कोई भी फुटस्टेप नहीं देता यहाँ पे, ना ही मिनिमम में कुछ मेरे को दिखता। मैं समझ गया था भाई ये पक्का कैंपर कुंपर लग रहे हैं, यहाँ से कट लेना सही रहेगा। मैं गाड़ी लेता हूँ और गाड़ी को घुमा के मैं बस घूम ही रहा था वापस, कि घूमते रहो। इतना फील तो है कि एक दो चक्कर तो और मैं लगा लूँगा, तभी मेरे को ये सांप स्पॉट होता है। यार इस बंदे ने या तो खुद को अति ज़्यादा स्मार्ट समझ रखा है, या फिर ओरों को बिल्कुल अंधा, मतलब यार बिल्कुल ओपन में लेटा है, इजीली मेरे को बंदा देख गया। फिलहाल एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी हो तो देखो इस जगह मेरे को लग नहीं रहा कोई बंदा है, मैं बहुत बार यहाँ से राउंड मार चुका, और देखो जोन का बिल्कुल एंड है एक तरह से, तो कौन ही हो सकता है हमें। तो मैंने सोचा भाई इस पेड़ के आगे लगा के और गाड़ी का समय को कवर मिल जाएगा, और बंदे हैं उस तरफ जहाँ पे मैं देखो पहले गया था, आपको गनशॉट की आवाज़ भी आ गई होगी, तो एक बंदे से तो मेरे को बढ़िया कवर मिल रखा है यहाँ पे। फिलहाल देखना मैंने कुछ स्मोक फेंक ली क्योंकि हो सकता है भाई वो बंदा एकदम से आज स्की वगैरह करके, बस मैंने ऐसे ही फेंक लिए स्मोक क्योंकि और कवर मिल जाएगा गाड़ी के साथ साथ, मतलब मेरा कवर थोड़ा लंबा और चौड़ा हो जाएगा। और देखना मैंने स्मोक कब फेंके और मेरे काम कब आते हैं, देखते रहना बस। फिलहाल वो देखो बंदा कूदा सामने से, ये बंदा तो और भी ज्यादा गजब था भाई, मतलब बाकी बंदे घासों का थोड़ा बहुत कवर ले रहे हैं लेट के, लेकिन नहीं ये तो कति ओपन में लेट है मिट्टी में, कि हाँ मारो मेरे को, अपने को कोई से का डर ही नहीं है। फिलहाल देखो मेरे पीछे तो कोई बंदा है नहीं क्योंकि मेरे को काफी देर हो चुकी है, तो सामने की तरफ ही हो सकता है। और तभी एक बंदा उठता है, ये बंदा छुप रहा था कुछ कैडे वाला, दिखाई नहीं मेरे को एकदम से, और मैं यही बता रहा था देखो स्मोक ने मेरी अब जाके मदद की है, कसम से बचा लिया। फिलहाल ये बंदा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आएगा, इतनी कम हेल्थ कर दी मेरी, लेकिन ब्रो इतनी देर बाद आओगे तो भाई मैं तो दो बार हील कर लूंगा। इस बंदे को मैंने मार दिया, ये मैच काफी गमाल का था। फिलहाल इस वाला मैच में देखो मैं आया था आइलैंड पे, और देखना उतरते मेरे को बैरल मिल चुकी थी, गन मिल जाती मेरे को बिल्कुल टॉप क्लास, और क्या यहाँ पे बंदे हैं वो तुम्हें खुद पता लगाना पड़ेगा। सुनो यस 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 बंदे तो आए हैं देखो, और ये बंदा कहीं लेफ्ट साइड चला जाता ना, अब जहाँ पे मैं हूँ उसके बिल्कुल लेफ्ट में, तो सुनो वापस है, हाँ बंदा ठीक सामने, इसी पे मैं रश करता हूँ। अब देखो पक्का तो पता नहीं कि बंदे और भी हैं या फिर नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि भाई सोलो में बंदे कैंप भर के करते हैं, बहुत ही सॉलिड वाला कैंप, तो हो सकते हैं, इसलिए मैं बस लूटते लूटते थोड़ा आगे तक राउंड मार आता हूँ यहाँ पे। और फिर देखो लेफ्ट मैंने देखा इन भाई साहब को, अब देखो मुझे ऐसे कुछ फुटस्टेप्स है कि वो बंदा उस तरफ कूद चुका है, देखो मैंने नेट टॉस करा और अब मेरे को ऐसा लगा कि वो उस तरफ कूद चुका है। तो मैं तुम्हें पता है भाई मेरे साथ बहुत बार होता है कि बंदे भाग जाते भाई साइलेंट से, तो मैं पहले ही इस तरफ आ जाता हूँ कि हाँ कहाँ है दिखाओ, बट वो बंदा नहीं निकलता यार, मैं ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांस निकल जाता यहाँ पे, ये बंदा यहीं पे चिपक जाता है और ये कुछ ज्यादा भयंकर चिपक गया। देखो मैंने नेड़ फेंका, 5 सेकंड में वो नेड़ फटने वाला है ना, बंदा दो बार भी हट सकता है वहां से, पर नहीं फिर भी उसको डैमेज जाता है क्योंकि वो कैंप करता भाई सॉलिड वाला, या फिर हो सकता है भागने का ट्राई करोगा, मेरा नेड़ ही कुछ ऐसा था कि वो उस तक पहुंच ही गया फिसल फुसल के। फिलहाल वो ऊपर देखो हील कर रहा था, और अब मैं गया ऊपर कि हाँ बेटे अब तेरे को रंगे हाथ में पकड़ लूंगा। एक और मैंने नेड़ ले लिया जिससे इसको वापस से मैं डराऊं, नेड़ मैंने टॉस करा और अब तो भाई को भागने था, निकल लेता है यहाँ से, और बस देखना अब कमाल का हेडशॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने जो दूसरा नेड़ फेंका था ना उससे भी बंदे को डैमेज गया था, लेकिन फिर भी यार वो नेड़ काफ़ी दूर था, बंदा एक हेड में मर कैसे गया, लेकिन जो भी हो मेरे 3 किल्स नहीं 2 ही किल यहाँ पे हो पाते हैं। आइलैंड पे भी 2 बंदे आए अच्छी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं देखो गाड़ी पकड़ता हूँ और मैं देखो अच्छे बच्चों की तरह सीधा सीधा जा रहा था, लेकिन तभी मुझे एक ये गंदा बच्चा दिखा, तो मैंने देखो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह गाड़ी कवर में लगाई
बंदों से एनिमी के गोली लगे ना लगे गाड़ी पे बरस जाएंगे कि हाँ भाई इसको फोड़ करेंगे। उन्हीं बंदों में मैं भी आता हूँ यार, फिलहाल जो भी हो मैं इसका क्रेट लूटने आया यहाँ पे, मैं लूट ही रहा था बस तभी एक और गंदा बच्चा प्रकट हुआ मेरे सामने और भाई ये तो खत्म ही कर देता मेरे को, मैं जल्द से हील तो कर लेता हूँ, लेकिन मुझे ये बंदा दिख नहीं रहा था एक्जैक्टली है किस तरफ, बस इतना बता था कि बिल्कुल ठीक सामने है। इस बंदे को अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी यार, क्योंकि क्या पता कब कहाँ से आ जाए, मुझे पता नहीं एक्जैक्टली बंदा है किस तरफ, लेकिन तभी मैंने सामने देखा यार कि इतना ओपन से आ रहा है बंदा। अब देखो इतना कॉन्फिडेंस तो आना ही था भाई, क्योंकि दो बार ये खत्म स्प्रे मार चुका है मेरे, लेकिन फिर भी थोड़ा छुप छुपा गया था तो शायद मुझे पता नहीं चल पाता। वैसे मैं उसकी इतनी साइड क्यों ले रहा हूँ, बता दो ना टिप्स तो पक्का है मेरे को मार देता। फिलहाल अब तो मेरी हेल्थ काफ़ी बढ़िया हो चुकी है, अब तो इसको यू नो थोड़ा संभल जाना चाहिए, लेकिन मैं देखता बिल्कुल सामने से ही मोली फेंक रहे भाई साहब। और बुरा लगा देख के कि यार बंदा मर चुका है और उसके 3-4 सेकंड बाद उसकी मोली आ रही है, बुरा लगा देख के, लेकिन कोई नहीं। मैं देखो गाड़ी पे गड़ता और मैं आज को था यहाँ जंकयार्ड में, गाड़ी को चेस कर रहा था एक्चुअली मैं, और इसको मैं चेस कर रहा था भाई सेंट्रल रोड से और यहाँ तक मैं आ चुका था। और फाइनली इसकी गाड़ी रुकती है, ढंग से सुनो क्या बोल रहा हूँ, गाड़ी रुकती है, ये बंदा नहीं रोकता, गाड़ी खुद ही रुक जाती है क्योंकि इसमें फ्यूल खत्म हो चुका था। और मैं देखता हूँ एक और गाड़ी है तो मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए भाई, थर्ड पार्टी हो जाऊंगा, कवर में चलते हैं अपन थर्ड पार्टी करने वालों में से। माना कि इस बंदे के पास देखो एस्टल के थी, लेकिन फिर भी अधमरा हो चुका है, जिस बंदे को मार रहा था ये उसने भी थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया होगा ना, और मैंने भी एक दो हेडशॉट तो मार ही दिया, बहुत हुआ, अब इस बंदे को टाटा गुड बाय बोलना पड़ेगा। अब मुझे पता तुम लोग खुश हो रहेंगे कि चलो भाई बच्चा आज तो एस्टल के से बच रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स दिखा दी ना तो भाई रोदोगे, मैं बता रहा क्योंकि मैं बहुत मरता हूँ भाई एस्टल के से रोज़ है, मतलब कम से कम 6-7 मरता हूँ यूँ है। फिलहाल मैं इस पिंक वेज में बैठा जो कि पिंक बिल्कुल नहीं रहेगी, अब अपने वाली स्किन लगेगी। मैं देखो गाड़ी लेके यहाँ पे ये वाला ड्रॉप लूटने आया और इस ड्रॉप से मेरे को मिल जाती है आरपीजी, और मैंने सोचा क्यों ना यार थोड़े बंदे बचे हैं मजे उठा लेते हैं आरपीजी के। अब मैं देखो गाड़ी लेके सेंट्रल रोड की तरफ निकलता हूँ कि इन घरों को मैं चेक करूँगा, लेकिन तभी मेरी राइट साइड थर्ड हिल में नजर जाती है कि वहाँ पे एक यूएस है। अब मैं देखो तुम्हें देखना पड़ेगा भाई, चील की निगाहें बनानी पड़ेगी, वहां मुझे एक यूएस दिखी तो मैं आया है सर, अब अच्छी तरह मैं गाड़ी घुमाता हूं, लेकिन अपुन को कोई बंदा ही नहीं दिखता यहां पे। मैं सोचा यार पोपट हो गया, सेंट्रल रोड ही निकल लेता। और ये जो गनशॉट की आवाज है ना कार 98, ये पक्का सेंट्रल रोड से ही आई है। अब मेरे को और भी ज्यादा रिग्रेट हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यहीं से गाड़ी कूदा के नदी पार कर जाऊंगा। बट मेरे भाई यहां पे भी बंदे हैं, एक बंदा है यहां पे, फुटस्टेप्स आ चुके थे उसके, और अब जरा देखना मैं बता रहा हूँ इस बंदे की जगह मैं होता ना तो मैं मर जाता 104% मर जाता। चलो मुन्ना बहुत हुआ, अब वापस से टाटा गुड बाय कहना पड़ेगा। और भाई यहाँ से जल्दी से मैं AWM ले लेता हूँ, क्योंकि ये जो बंदा कार 98 चला ना भाई सेंट्रल रोड से, उसको मुझे जवाब देना AWM से। मैं देखो यहाँ पे आता हूँ, कवर लेता हूँ, और वो बंदा ठीक सामने वो जो घर दिख रहे हो ना वहाँ पे, और जिस तरह से हेड दिखा रहा है भाई AWM में यार, तुम्हारे पास लेवल 5 का हेलमेट है क्या, या फिर उसे लग रहा है कि मैं मार ही नहीं पाऊंगा। ना 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 ब्रो, मतलब यार इतनी भी क्या अकड़, बंदे ने सर हटाया नहीं, मतलब पता चल गया AWM उसके बाद भी सर नहीं हटाया, लेजेंड था भाई ये बंदा भी। फिलहाल मेरे डबल डिजिट किल्स हो चुके हैं और मैं अब देखो निकलता हूँ सेंट्रल रोड की तरफ। मैंने बताया था ना जाऊंगा तो भाई पक्का जाकर ही रहूंगा, वैसे जगह हल्की सी जोन में थी तो जा नहीं था, जोन वैसे शुरू हो चुके, लेकिन सामने देखो अपना टारगेट बिल्कुल सामने है। ये बंदा उछल रहा था, मतलब वैसे उछल रहा था, टीम अप के लिए नहीं उछल रहा था। और जरा सुनना, नेट टॉस करता है बंदा, और ये नेट मेरे लिए काफी रिस्की था। ये वाला शॉट तुम्हें कैसा लगा जरूर बताना, बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा, बस तुम्हें सब्सक्राइब कर देना नीचे और मुझे अपने आप पता चल जाएगा। तो नीचे तुम्हें बटन दिख रहा होगा यार अप्रिशिएट करना चाहते हो या फिर डेली वीडियोस देखते हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और आखिरी का बंदा यहाँ कहीं होता है, मतलब वो थर्ड डिल से कहीं से चल के आता है और उसमें मार देता हूँ जो भी यार कर दें कि चल डेनर। होप सो सब ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी यार, जरा से मजा आया तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर सकते हैं, मैं पहले बोल चुका हूँ, दो बार क्यों बोल रहा हूँ। फिलहाल मैं कल मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।